दिल्ली में खुली बीजेपी की पोल, सामना में शिवसेना ने बीजेपी को घेरा, अलकायदा से की ऑपरेशन लोटस की तुलना। ऑपरेशन लोटस को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को घेरा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में छापे गए संपादकीय में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की तुलना अलकायदा से की है। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि ऑपरेशन लोटस शुरू कर बीजेपी सरकारें चुनकर लाने की बजाय विरोधियों की सरकारें गिराने का काम कर रही है। पार्टी तोड़ने की वजह से विष्णु का सबसे पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है। कमल यानी लोटस अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की मदद से बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ईडी का डर दिखाकर शिवसेना के विधायक बागी हो गए थे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट कई बार आमने सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार तोड़ने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोप का जिक्र भी सामना में किया गया है। आपके मुताबिक उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। शिवसेना ने सामना में लिखा कि दिल्ली में सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, बीजेपी की पोल खुल गई। दिल्ली के अलावा बिहार में भी ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। महाराष्ट्र में तो शिंदे गुट ईडी के डर से झुक गया था, लेकिन अन्य राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव ने तो अमित शाह को खुली चुनौती दी है, सीबीआई ईडी लगाकर मेरी सरकार गिराकर दिखाओ। दिल्ली में भी सीबीआई का डर दिखाकर आपकी सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मामले में फैसला व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरी सरकार का था और इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल का भी समर्थन होता है, लेकिन कैबिनेट के निर्णय का ठीकरा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर फोड़कर उनके खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी की। उन्हें इस प्रकरण में एक नंबर का आरोपी बनाया और यह प्रकरण अब ईडी के पास, मतलब बीजेपी की विशेष शाखा के सुपुर्द कर दिया गया और मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सामना में लिखा गया है कि आपके विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर देने का आरोप तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। इसलिए ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र और आजादी के लिए कितना घातक है, यह इन्होंने ढंग से सामने आया है। सामना में आगे लिखा है कि महाराष्ट्र की भेड़ें तो डर कर भाग गई, लेकिन उस तरह दिल्ली के विधायक और नेता नहीं भागे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।